देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मदन कहाँ है? मुझे फोन कॉल्स करने हैं, डैम इट। कब आएगा वो? आ ही रहा होगा मैडम। आपको चाहिए तो तब तक मेरा फोन यूज कर लीजिए, इससे फोन कर लीजिए। ये क्या किया? मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? ये लीजिए मैम, नया फोन। What the hell? फोन क्यों था इसके पास? मना किया था ना मैंने कि कोई अपने पास फोन नहीं रखेगा। फोन ट्रैक हो सकता है, पुलिस यहाँ पर आ सकती है। सॉरी मैम। देखा तुम लोगों की बेवकूफियां नतीजा? गाड़ी बाहर निकालो, भागना होगा हमें यहाँ से। कब सोचा था कि ये दिन आएगा और तुम मेरे ही दुश्मन बन जाओगी रिया। मुझे छोड़ के रणवीर और प्राची की साइड हो जाओगी। अभी तो यार कोई नहीं दिख रहा। Not done, not done, रिया। तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैम आपने कुछ बोला? तुम्हारे कान पीछे ही रहते हैं। सामने देखो, ड्राइव करो। हेलो हेलो बूजी। बूजी आप ये सही नहीं कर रहे हो। अब जहां भी हो ना, I'm telling you, please, please, just come back। और उस बच्ची को भी वापस ले आओ बूजी, please। She's an innocent kid। रिया तुम भी तो इनोसेंट थी। अफसोस अब तुम इनोसेंट नहीं रही, ना तुम मेरी रही हो, दुश्मन बन गई हो तुम मेरी। पर उस बच्ची की क्या गलती है? लेकिन मैंने तो किया था ना तुम्हारे लिए। कितना कुछ किया था मैंने तुम्हारे लिए? अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी। लाइफ में सिर्फ सोचा तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, और तुमने तुम इतनी बदल गई हो कि तुमने जाके मेरे दुश्मनों का साथ दे दिया। अच्छा बुजी देखो, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन प्लीज उस बच्ची को छोड़ दीजिए, प्लीज उसे वापस दे दीजिए। तुम्हारे साथ भी करूंगी रिया, बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। सोचा नहीं था कि ये बात मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग रिया, तुम और प्राची दोनों सेम, तुम दोनों का खून सेम है। वाओ बूजी, अगर ऐसा है ना, देन आई एम फीलिंग प्राउड टुडे कि मैं अपनी बहन प्राची जैसी हूँ, क्योंकि प्राची जैसी अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। गौर रिया, क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या थी और क्या बन गई हो? बूजी लुक, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज उस बच्ची को वापस दे दीजिए, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। आपको जो चाहिए ना हम देंगे, आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे, पर प्लीज आप उसे कुछ मत होने देना। बूजी बच्ची है वो, इतना तो देखो। And I'm sure आप भी कुछ गलत नहीं करना चाहेंगी। आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है, लेकिन one thing I'm sure about कि मैं तुम में से किसी को खुश नहीं देखना चाहती। And I'll make sure कि तुम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये आखिरी बार है जो तुम मेरी आवाज सुन रही हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी रिया, never। बुजी, बुजी, तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है रिया, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी। रूक आप उठेगी तुम्हारी कि जो कोई भी मुझे हर्ट करता है बाद में पछताता जरूर है कि उन्होंने मुझे हर्ट क्यों किया। लीजिए मैम मेडिसिन। मैम मैम मेडिसिन।
सर मेडिसिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, 10 मिनट में दवाइयों का असर शुरू हो जाएगा। चाची को आराम मिलेगा ना? उनको आराम भी मिलेगा और उनको नींद भी आ जाएगी। ठीक। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आलिया मुझे का भी कॉल आया था, बच्ची उन्हीं के पास से धमकी दे रही थी कि वो हम सबसे रिवेंज लेगी। ओह गॉड, वो यही थी इंस्पेक्टर साहब। आई विश हम पहले आते, हम उन्हें पकड़ सकते थे। पता नहीं ये जगह मेरे माइंड से कैसे स्लिप हो गई। इट मींस अब हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है। हमें घर चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम उन्हें ढूंढेंगे ना, कोई तो वे आउट होगा उन्हें ढूंढने का। वे आउट अब खुद किडनैपर देगा। मतलब जब भी किसी किडनैपर को खतरा महसूस होता है तो वो अपने विक्टिम को फोन करता है और उससे डिमांड करता है। आपको क्या लगता है आलिया क्या डिमांड कर सकती है उस बच्ची को वापस देने के बदले में? I don't know, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलिए जल्दी। It's okay. जो मेडिसिंस ली है ना तुमने, उससे भी तो थोड़ा सा बेहतर महसूस करोगे, ओके? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बैठा हुआ था, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं देख कर आता हूँ, ओके? मैं अपना फोन भूल गया था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है। मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं, उठना है पर उठ नहीं पा रही हूँ, सांस नहीं आ रही, नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है सोती रहूं। वो एक्चुअली जो मेडिसिंस ली है ना, वो काफी हैवी हैं, इसीलिए उनका असर हो रहा होगा। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम नॉर्मल फील करने लगोगी। हो प्लीज मेरा बच्चा, मैं चाहता हूँ। मैं बस दरवाजा बंद करना चाहते वक्त। ठीक। कुछ पता चला? नहीं आंटी, पूजी का कॉल आया था पर वो बहुत गुस्से में थी। इसका मतलब वो वहाँ भी नहीं थी? नहीं, वो वहीं थी, हम लेट पहुँच गए। अगर हम थोड़ा जल्दी पहुँचते तो शायद हम उन्हें पकड़ सकते थे, पर आई थिंक उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया और वो बच के चली गई। क्या मतलब, तुम आलिया बूजी के इतने करीब पहुँच चुकी थी? हाँ। इन्होंने सारे एड्रेस दिए जहाँ पर भी वो हो सकती थी। हमने जिस जगह लास्ट रेड मारी वो वहीं पर थी, पर हमारे हाथ से निकल गई। कम ऑन। हेलो प्राची, पूछी नॉट बैड, मेरी आवाज पहचान ली? पहली बार माँ बनी हो, कैसा लग रहा है माँ बनकर? ओ माय लिटिल क्यूट लिटिल फेरी, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मा से बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बूजी, बूजी मेरा मेरा बच्चा कहाँ है? बूजी मेरी 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 बेटी, बूजी आप कहाँ है? आप मेरी बेटी को कुछ मत करना, आपको मुझसे दुश्मनी है ना, मुझसे दुश्मनी निकाल लेना, मुझे जो करना मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। बूजी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको मैंने हर्ट किया ना, मैं माफी मांगती हूँ, मैं नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ, आपके पैरों पे गिर के माफी मांगती हूँ। बूजी मेरी बच्ची को कुछ मत करो, प्लीज प्लीज। पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांग रही है प्राची, वाह क्या नजारा है, और ये नजारा मैंने मिस कर दिया। सिर्फ सुन सकती हूँ लेकिन ये नजारा देख नहीं सकती, इसलिए आधा मजा है। वैसे सही कहते हैं लोग, माँ बाप को सिर्फ एक औलाद ही मजबूर कर सकती है। तुम्हारी तो पहली औलाद है। वैसे कितने घंटे रही तुम्हारे साथ? 1 घंटा मैक्स। और अब पता नहीं तुम इसे देख भी पाओगी या नहीं। मुझे खबरदार ऐसा बोला तुम, खबरदार मेरी बच्ची का बाल नहीं बांका हुआ ना, खरोच भी आए ना तो कसम से मैं सब भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटी पर एक भी खरोच आएगी। आपके लिए यही अच्छा है।
पूजी, मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, कभी अपनी हद पार नहीं की है। लेकिन कसम से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं कोई लिमिट नहीं देखूंगी। मैं नहीं सोचूंगी आप कौन हो कौन नहीं हो। मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। और एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए मजबूर हो सकती है तो किसी को मजबूर कर भी सकती है। मेरी बच्ची को खरोच भी आई ना बूजी, मैं आपकी जान ले लूंगी। Now I'm liking it. संस्कारी प्राची मेरी भाषा बोल रही है, या कहूँ अपनी धोखेबाज बहन की भाषा बोल रही है। सही सुना तुमने, तुम्हारी बहन रिया जिसने मुझे धोखा दिया तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या पट्टी सुनाई है तुमने उसे जो मेरे अगेंस्ट हो गई। और उस लीडर को समझ भी नहीं आ रहा है कि तुमने उस पर जादू चलाया है, वही जादू जो तुमने रणबीर पर किया है। तभी तो रणबीर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, कोई और तुम्हारे सिवाय दिखता ही नहीं है उसे। मुझे आपको जो कहना है जो मुझे गाली दो, मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को कुछ मत करो, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो बूजी। मैं माफी मांगती हूं बूजी, प्लीज बूजी, प्लीज बूजी। ठीक है तो तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला ही देते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। जहाँ मैं आप कहाँ हो बूजी? मुझे अभी पता है, मैं अभी आती हूँ बूजी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। घर से निकलो, घर के 15 मिनट की दूरी पर एक सुंदर वन का टर्न आता है, वो टर्न लेना है। और 10 मिनट में तुम यहाँ मेरे पास पहुँच जाओगे, जहाँ मैं हूँ। 10 मिनट का अगर 11 मिनट भी हुआ ना तो आई कैन नॉट अश्योर यू कि क्या हो सकता है। नहीं 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 बूजी, मैं 1 मिनट भी लेट आऊंगी, मैं 10 मिनट से पहले पहुंच जाऊंगी। आप कहाँ हो मुझे बता दीजिए, आप लोकेशन भेजिए, मैं अभी पहुंचती हूँ। समझदार हो, पता है कि तुम्हें अकेले ही आना है, कोई साथ आया तो जानती हो कि क्या हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगी, मैं सिर्फ अकेले आऊंगी, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे लोकेशन भेज दो प्लीज। सेंडिंग द लोकेशन माय लव, सेंडिंग इट। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, कुछ मत करना। I'm so sorry रणबीर, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। Honestly, मैं बस सबकी हेल्प करना चाहती थी। हेल्प करना चाहती थी तुम? बताओ मुझे क्या हेल्प करी तुमने, तुम्हारी हेल्प से क्या हुआ? रणबीर कैसे बात कर रहे हो तुम? तो क्या करूं मम्मी, अब समझिए ना, अभी कुछ देर पहले तक मैं दुनिया का सबसे खुश बाप था, सबसे खुश पति था, मेरे हाथ में मेरी बच्ची थी, 2 मिनट जी भर के देख नहीं पाया उसको और वो चली गई। और प्राची मेरी बीवी, उसकी हालत देखिए क्या हो रखी है, वो बेचारी बेहोश है और बेहोशी में भी चिल्ला रही है, बच्ची चाहिए उसको, पंछी चाहिए, कहाँ से लाके दूँ उसको पंछी में। रणबीर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा मॉम, कौन ठीक करेगा? ये लोग ठीक करेंगे या ये ठीक करेगी? आप लोगों ने कुछ किया, कुछ हुआ आपसे? आके बोल रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं इनको। थैंक गॉड यहाँ पे अभी प्राची नहीं, शॉक में चली जाती और पागलों की तरह हरकतें करने लगती। मैंने देखा था उसकी हालत, आप लोगों ने देखी थी ना क्या हो गई थी, भाग रही थी, चिल्ला रही थी, पंची पंची आलिया बूजी, अरे गाड़ी के नीचे आते आते बची है वो तो उसको इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी हुई है तभी जाके वो थोड़ा सो पा रही है। अच्छा हुआ मैंने टैबलेट्स को निकला नहीं और वॉशरूम में जाके निकाल दिया। नहीं रणबीर, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, सोना तो दूर, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। जब तक अपनी बच्ची को नहीं बचाऊंगी मैं चैन से सांस नहीं ले पाऊंगी। और तुमने जिंदगी में कई बार मेरा दिल तोड़ा है, पर इस बार इस तरह दिल तोड़ा है ना तुमने, पता नहीं कैसे जुड़ पाएगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अपनी बच्ची को मैं खुद ही ढूंढूंगा। आप लोग थैंक यू सो मच, प्लीज जाइए। बस कर रणबीर, बस कर ये चीखना चिल्लाना, क्या क्या कर क्या रहा है तू? किस पे भरोसा नहीं है तुझे? हम पर? हम सब पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ फिर रहे पंछी को ढूंढने के लिए, हम सब लगे हुए हैं, हम पर भरोसा नहीं है तुझे। पंछी हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची, हम सबको वापस चाहिए। तूने तो एक झलक तो देखी अपनी बच्ची की, मैंने अपनी बच्ची की एक झलक भी नहीं देखी है रणबीर। लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये पागलों की तरह ढूंढ रही है, एक सेकंड नहीं बैठी है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और तू उन्हीं को ब्लेम कर रहा है। अरे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिया ने क्या कर लिया, रिया ने सब कुछ गलत किया। जहाँ हमें पता था ना कि आलिया भूजी हो सकती है, अब वो वहां से भी भाग गई। आलिया भूजी पहले सिर्फ प्राची से नफरत करती थी, लेकिन अब आलिया भूजी इससे भी नफरत करती है। आई एम टेलिंग यू रिया, अगर तुम्हारी और प्राची किसी भी एक्शन की वजह से मेरी बच्ची, मेरी पंछी मुझसे दूर कहीं ना कहीं ना, तुम्हें तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, याद रखना। मेरी वजह से, रिया की वजह से। जस्ट फोन है। क्या हो गया माँ? अरे माँ आ जाऊंगा ना, अरे नाइट शिफ्ट नहीं कर रहा,
ना उसके घर हूँ, दोस्त के घर भी नहीं हूँ। एक केस आ गया था, कैसे सॉल्व करूँगा? सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो प्राची है, वहां मैं बाद में बात करता हूँ। प्राची अपने कमरे में नहीं है, वो सो नहीं रही है, वो कार ड्राइव करके बाहर गई है, मैंने अभी देखा उसे और वो काफी जल्दी में थी। I'm sure, आलिया ने ही फोन किया होगा। किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। आलिया का ही फोन होगा, स्पीकर पे करके बात कीजिए। हेलो हेलो, कोहली फैमिली के हीरो, क्या हाल है? कैसा चल रहा है नया शो? मजा आ रहा है फैमिली के साथ? आपने एक बहुत छोटी बच्ची को किडनैप किया, और आपको ये सब शो लग रहा है? जो आपने किया है ना वो क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये खेल जो है आपको बहुत 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 बुरा पड़ेगा। ओह रणबीर, आई एम लविंग इट। कैट और माउस का गेम खेल के मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जो हमेशा से मैं बताते आ रही हूँ, प्राची है ना तुम्हारी बीवी, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ड्रामेबाजी का टाइम नहीं, आप मुझे चुपचाप अभी भी बताइए आप कहाँ पर हैं, मेरी बच्ची कहाँ है। इसे तो कह रही हूँ कि प्राची तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने उसे कॉल किया था और उसने तुम्हें नहीं बताया। प्राची आपसे मिलने गई है? मैंने प्राची को कॉल करके बताया कि किसी को ना बताए। मैं कहाँ हूँ और उसने? किसी को तो क्या, तुम्हें तक नहीं बताया। तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ पर आ जाओ फैमिली के साथ। एड्रेस भेज रही हूँ। लेट हो गए और मैं निकल गई तो डोंट टेल मी कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। और कॉप को साथ में लेकर मत आना, मुझे पता है कि इस वक्त वो हमारी बात सुन रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है, सिर्फ आप मुझसे बात कर रही हैं। रणबीर, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, लोगों के रग रग से वाकिफ हूँ, फितरत जानती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कॉप को साथ में मत लेकर आना। एक भी कॉप देखा तो तुम्हारी एक क्यूट लिटिल चाइनी सी बेबी घाट के नीचे होगी। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को लेके आऊंगा। मैं भी चलता हूँ। उसने हम सबको बुलाया है, हम सब चलेंगे। हम भी चलेंगे। हाँ चलो। देखिए आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, वो औरत बहुत खतरनाक है, हम आपके साथ में चलते हैं, वो औरत पूरी पागल है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता अपनी बच्ची के साथ, आप लोग यहीं रुकिए, हमें जाने दीजिए, आप नहीं आएंगे, प्लीज डोंट कम। चलो चलो। क्या करना चाहिए? मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। तो फिर चलो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेट्स गो। वहाँ नहीं प्राची, पूजी मैं यहाँ। पूजी पूजी मेरा बच्चा, पूजी मेरा बच्चा दे दीजिए पूजी। हाँ हाँ, बच्चा तो देने के लिए ही बुलाया मैंने, पर फिर मैंने सोचा फैमिली वालों को भी बुला लेती हूँ। मना किया था मैंने तुम्हें कि फैमिली को मत बताना, फिर सोचा साथ में पार्टी करेंगे तो मजा आएगा। आपको जो बोलना है बोलिए, मेरी बच्ची दे। अरे अरे, दे रही हूँ प्राची, दे रही हूँ तुम्हारी बच्ची तुम्हें, पर सोच रही हूँ पार्टी के लिए गुड न्यूज तो होनी चाहिए, बिना गुड न्यूज के पार्टी का क्या मजा है ना बेबी। मदन लेके आ, मुझे एक बार दे दीजिए। तुम इस बच्ची को पकड़ो। नहीं, लो। नहीं छूना मत, तेरी बेटी को मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। मूड बहुत अच्छा है मेरा, खराब मत करना मेरे मूड को। आपके मूड से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा उस आदमी को क्यों दिया आपने? मुझे दे दो मेरा बच्चा, दे दो मेरा बच्चा। बच्ची जिंदा चाहिए या मरी हुई? नहीं 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 नहीं, पूजी पूजी पूजी, उस पर से बंदूक हटाइए, मैं पीछे हट गई, मेरी बच्ची पर से बंदूक हटाइए, मुझे हटाइए प्लीज। आई स्वेयर, एक गलती और सिर्फ ये एक उंगली दबानी है। पूजी पूजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप भी तो एक माँ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे प्लीज, मुझे आपको जो चाहिए मैं दूंगी, मेरा बच्चा छोड़ दो पूजी। अच्छा दे दो। गिव एंड टेक का रूल जानती हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये साइन करो, तुमने कहा था कि बच्ची के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अरे पूछते लो कौन से पेपर्स पे साइन कर रहे हो। आई डोंट केयर, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। हो गया पूछी, हो गया। दे दो और भी पेपर्स हैं, इन पर भी साइन करो।
ये पेपर्स वो हैं जो अभी भाई ने फैक्ट्रीज कंपनी प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम पे किए थे। इसमें लिखा है कि वो सब कुछ तुम मेरे नाम पे कर रही हो। आपको जो लेना है आप ले लीजिए, आप मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान को, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, ले लीजिए। और ये थे डिवोर्स पेपर्स। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी वैलिड नहीं है, अब तो इनवैलिड शादी भी नहीं बची। कांग्रेचुलेशन हो गया ना सब, अब मेरी बच्ची दे दीजिए। दे रही हो ना प्राची, बच्ची दे दो, बच्ची दे दो, बच्ची दे दो। देने के लिए तो बुलाया है तुम्हें, ये पकड़ो। क्या नाम बताया तुमने इसका? पंछी। पंछी, रियली शी इज रियली ब्यूटीफुल। वेलकम फैमिली हीरो, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। आई मस्ट से वेरी गुड टाइमिंग। आए वहीं रुको तुम। मैं यहाँ रुका हुआ, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स, पर बाकी की फैमिली कहाँ? पीछे एक गाड़ी है, उसके अंदर आ रही है। देखिए आपको आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, मेरी बेटी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ आपके। प्लीज 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 हमारी बच्चे हमें वापस कर दीजिए प्लीज। सुना तुमने, तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं? मेरे पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बच्ची दे दो। और तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और तुम्हारे लिए बेग कर रहे हैं। हाउ लकी आर यू आई मस्ट से, दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। पुलिस, ये लोग पुलिस लेके आए साथ में।